ब्रह्म कुमारी संस्थान वैशाली नगर द्वारा आयुष मंत्रालय भारत सरकार और जयपुर नगर निगम ग्रेटर के सहयोग से आयोजित योग समागम में मुख्य अतिथि गलता पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि योग साधक में समता और समत्व का भाव पैदा करता है। योग की जो भी विधाएं प्रचलित हैं उसके मूल में यही बात रहनी चाहिए कि शरीर को स्वस्थ रखते हुए हम भगवान की कृपा के अधिकारी कैसे बने। भगवान का आश्रय ही मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। मेरे लिए इसमें 5 मिनट का समय दिया गया है, तो इतने संक्षिप्त समय में ये सब चर्चाएं यद्यपि संभव नहीं है, लेकिन फिर भी सगुण और निर्गुण ये दो धारणाएं हमारे यहाँ चलती आती है। जहां पर भगवान का स्मरण करने की बात होती है, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा, मैं उससे मतलब अगर 100% हम हर बात को लेकर के चलते हैं, मैं समझता हूँ कि अनंत प्रतिशत भी हो तो भी अंत में वो भगवान की ही बात है। और वस्तुतः योग ही यही है। देखिए, ये जो जितनी आज जो विधाएं प्रचलित हैं, इसमें मात्र यही चिंतन आता है, और क्योंकि व्यक्ति का ध्यान इस पर ही रहता है कि कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रखे, तो इसलिए ये जो योग के आसन है वो आजकल ज्यादा प्रचलित हुए और उसका नाम फिर योगा हो गया, तो वो योग से योगा हो गया। लेकिन जो मूल में बात है वो यही है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए उस परमात्मा की ओर अपने ध्यान को बनाए रखते, और वस्तुतः भक्ति योग भी यही है। सारे जितने भी चिंतन है उन सबको एक तरफ लाना और अपने आप को, क्योंकि हमारे यहां ये जो मार्ग है भगवत प्राप्ति के, उसमें मोक्ष है, कर्म है, ज्ञान है, यही तो है। तो इसलिए ये जो एकमात्र चिंतन है कि हम भगवान की कृपा के अधिकारी कैसे बने, ये सबके मूल में रहना चाहिए। सभा को संबोधित करते हुए जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि योग का असली मकसद है आपस में सबको जोड़ना। व्यक्ति को ऊर्जा से, शहर से, स्वच्छता से, पर्यावरण से, बड़ों का सम्मान करने से हमें विकसित भारत बनने में योगदान के लिए जोड़ना। उन्होंने हर व्यक्ति को भारत माँ के नाम एक वृक्ष लगाने का भी आह्वान किया। मेघ सिंह चौहान, संयोजक राजस्थान प्रदेश क्रीड़ा भारती, ने अभ्यास और वैराग्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसी विपरीत परिस्थिति में न विचलित होना है तथा न ही खुशी के पल में ज्यादा खुश होना है। प्रभु चिंतन करते हुए आनंद में रहने से योग सफल हो सकता है। योगाचार्य ढाकाराम, संस्थापक योगापीठ संस्थान, ने पहला सुख निरोगी काया पर जोर देते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास हो सकता है तथा शरीर को स्वस्थ कर श्रेष्ठ कर्म करने पर भी जोर दिया। डॉक्टर रामसेवक दुबे, कुलपति जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, ने शरीर तथा मन की साधना के संतुलन पर जोर देते हुए कहा कि चित्त की साधना अर्थात अंतःकरण को स्वच्छ करते हुए शरीर को स्वस्थ रखना है तथा वर्तमान में हर कार्य को आज ही करने पर उन्होंने विशेष जोर दिया। ब्रह्म कुमारी माउंट आबू मुख्य प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी सदस्य एवं जयपुर सब जोन प्रभारी राजयोगिनी बी के सुषमा दीदी ने राजयोग ध्यान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम स्त्री अथवा पुरुष नहीं, हम सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्माएं हैं। अपने इसी स्वरूप की ज्योति जगाकर हमें एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखते हुए प्राणी मात्र के प्रति रहम की भावना रखने की बात कही। साथ ही उन्होंने राजयोग ध्यान का अभ्यास भी कराया। तो वही ब्रह्म कुमारी वैशाली नगर केंद्र प्रभारी चंद्रकला दीदी ने बताया कि ब्रह्म कुमारी की वार्षिक थीम आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वस्थ समाज के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी ने स्वयं के साथ परिवार, शहर, समाज की स्वच्छता, शुद्धता एवं पवित्रता के लिए प्रतिदिन योगदान देने का संकल्प लिया। जयपुर योग समागम 2024 के संयोजक योगी मनीष विजयवर्गीय ने स्वागत उद्बोधन समागम में सम्मिलित संस्थानों का अभिनंदन करते हुए सभी से वर्ष पर्यंत योग कार्यक्रमों में सक्रियता से योगदान देने का आह्वान किया।
ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा योग के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाएं यथा जयपुर नगर निगम ग्रेटर, क्रीड़ा भारती, पतंजलि योग समिति, अखिल विश्व गायत्री परिवार, राजस्थान आर्ट ऑफ लिविंग, जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इंडियन योग एसोसिएशन, गीता परिवार, राजस्थान स्वास्थ्य योग परिषद, हार्टफुलनेस, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, योगा पीस संस्थान, योग स्थली योग सोसाइटी, सोनल मेमोरियल ट्रस्ट, गुरुकुल योग संस्थान, गांधी योग एंड नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट, नर्सरी पार्क योग परिवार, सर्व मंगलाय, सनातन धर्म फाउंडेशन, प्राकृतिक चिकित्सालय, संकल्प इंडिया हेल्थ एंड योग सोसाइटी, योग पथ योग संस्थान, प्रयास योगा रिट्रीट एवं समरस भारत इत्यादि सहित करीब 51 संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा पर्यावरण संरक्षण मोर्चा के अध्यक्ष पुष्पेंद्र भूटानी द्वारा सम्मानित संस्थाओं को हरियाला पौधा भेंट कर मॉनसून में वृक्षारोपण की प्रेरणा दी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पतंजलि के प्रदेश संरक्षक महेंद्र यादव, गलतापीठ के युवराज स्वामी राघवेंद्र महाराज, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री गोपाल गुप्ता, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कालानी, दिव्य ज्योति संस्थान के साध्वी लोकेश भारती, पार्षद प्रवीण यादव, पार्षद राजू अग्रवाल, पार्षद कपिल धाबाई सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।